दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, चेन रूल। चेन रूल के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा, समझ पाए अच्छी तरह से तो डेरिवेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझने के लिए क्या करना है, वीडियो को देखना है स्टार्टिंग से एंड तक, स्किप नहीं करना। स्किप कर दिया तो चेन रूल भी स्किप हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखो, कंटिन्यू देखो, चेन रूल आपको बड़े प्यार से समझ में आएगा। सबसे आसान रूल चेन रूल। सपोज आपके पास एक गिफ्ट बॉक्स आया, आपने रैपर ओपन किया, बॉक्स निकाला, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है। तो इस तरह हमने क्या करना है, रैपर खोला, एक बॉक्स खोला, दूसरा बॉक्स खोला, तीसरा बॉक्स खोला, चौथा, जितने भी बॉक्स हैं खोलते गए और एंड में क्या करा हमने, लास्ट रिजल्ट पर आ गए। वही है चेन रूल। सिंपल है, बॉक्स खोलने हैं बस। कैसे खोलने हैं वो डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव करते हैं हम साइन एक्स साइन, डाल देता हूं वैसे, डेरिवेटिव करते हैं हम साइन लॉग एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, इस हमने अभी तक जो डेरिवेटिव आपने सीखे उनमें क्या था, हमने डेरिवेटिव किया साइन एक्स का तो ये बन गया कॉस एक्स, अगर हमने किया लॉग एक्स का तो ये बन गया वन बाय एक्स। इसमें क्या था, जो एंगल था वो क्या था, एक्स था। यहाँ पर एंगल क्या था, एक्स था। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, कि जो एंगल है वो एक्स है या नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी चेन रूल बहुत आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव क्या करेंगे हम, साइन। पहले हमने बॉक्स खोलना है, पहले बॉक्स में क्या है, साइन है, अगले बॉक्स में क्या है, लॉग है, अगले बॉक्स में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे हमें बॉक्स ओपन करता जाना है। तो पहले हम डेरिवेटिव इसका करेंगे साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका, कॉस, साइन का एक्स क्या था, साइन का एक्स ये पूरा था। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, log x square, क्या हो गया यहां पर, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos, और साइन का x क्या था यहां पर, तो साइन का जो x है वो क्या है यहां पर, log x square। तो यहां पर क्या लिख देना हमें, cos log x square, क्लियर। लेकिन ये x तो नहीं है, x ये नहीं है, तो क्या करना है, एक बार फिर बॉक्स ओपन करना है। फिर बॉक्स ओपन करना है मतलब फिर डेरिवेटिव करना है, किसका, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। समझ में आया, पहले क्या किया हमने, साइन लिया, साइन का डेरिवेटिव कर दिया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस क्या है यहां पर, कॉस एक्स की जगह क्या आ गया, लॉग एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो लॉग एक्स स्क्वायर है ये एक्स तो नहीं है, एक्स नहीं है तो क्या करना है, बॉक्स फिर ओपन करना है। जब भी एक्स होगा तो बॉक्स वही छोड़ देंगे, हमें एक्स तक जाना है। एक्स तक जब पहुंच जाएंगे आपका गिफ्ट आपको मिल गया, रखो गिफ्ट। लेकिन जब तक एक्स नहीं आएगा तब तक क्या करना है, बॉक्स को खोलते रहना है, कभी तो आएगा लॉग एक्स स्क्वायर। तो ये हमने एज इट इज लिखा, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव मतलब लॉग का डेरिवेटिव करेंगे। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, ये आ गया वन अपॉन एक्स, क्या इसका एक्स स्क्वायर। लेकिन ये एक्स तो नहीं है, एक्स नहीं है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर से बॉक्स ओपन करेंगे। बॉक्स ओपन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एज इट इज लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ x की पावर n वाला रूल लगाया, 2 की पावर x, अब x क्या है यहाँ पर, x ही है, उसका डेरिवेटिव हमने कर दिया, तो आपको आपका गिफ्ट मिल गया। खुश हो गए? चलो अच्छी बात है। थोड़ा सा और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये x इसे काट सकते हैं, आपका आंसर बन गया 2 cos log x square upon में x। तो इस तरह से हमने लगाया चेन रूल। जैसे चेन होती है साइकिल की, कंटिन्यूअसली चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, फंक्शन जब तक है जब तक उसको चलाते रहना है, अपना बॉक्स खोलते रहना है, गिफ्ट अपना लेकर ही खत्म करना है, जब तक गिफ्ट नहीं मिले छोड़ना नहीं उसे, गिफ्ट तो लेना ही लेना है। और गिफ्ट लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट लॉग रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब ये रूट का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव क्या बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या बताया था, 1 बाय 2 रूट एक्स, यहाँ क्या करना है 1 बाय 2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है लॉग रूट एक्स, लॉग रूट एक्स, लेकिन ये एक्स तो नहीं है, अभी एक्स नहीं है तो क्या करना है, बॉक्स समझ गए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स, ये एज इट इज करना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि लॉग का एक्स क्या था, रूट एक्स था, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स एक्स तो नहीं है, एक्स नहीं है तो फिर से समझदार तो हो, समझ ही गए होंगे। तो ये एज इट इज रखना है, ये एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, सारे को इकट्ठा कर देंगे, ऊपर आ गया 1, 2 टू 4, रूट एक्स एक्स हो गया, लॉग रूट एक्स एज इट इज, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया चेन रूल? और एग्जांपल करते हैं, तो चेन आपको खोलते रहना है जब तक थक नहीं जाओ, साइकिल चलाते रहना है चलाते रहना है चलाते रहना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ हम करते हैं साइन स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो क्या हो गया, ये हो गया आपका पूरा x, ये क्या हो गया n, कौन सा डेरिवेटिव यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, जब x रेज टू पावर n की फॉर्म होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर को आगे लाते हैं, x का डेरिवेटिव तो नहीं करते, तो यहां भी इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, क्या करना है, पावर का डेरिवेटिव करना है, इस पावर को क्या करना है आगे लेकर आना है, तो 2 आगे आएगा और क्या हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग n आगे आ गया, x की पावर 1 कम हो गई, तो यहां पर 2 आगे आ गया, ये पूरा x है तो इसकी पावर कम हो गई, लेकिन ये x तो नहीं है, x नहीं है तो फिर क्या करना है,
बॉक्स और ओपन करना है। मजा आ रहा होगा बॉक्स ओपन करने में। तो बॉक्स ओपन करने का मतलब है इसका डेरिवेटिव कर देना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये तो एज इट इज आ गया, ऐसे चल आ जाएगा ये। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव में क्या करेंगे, पहले साइन का डेरिवेटिव। यहाँ स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं करना, ये स्क्वायर क्या है, ई की पावर में आ रहा है, तो ई क्या है यहाँ पर, साइन का एंगल है। तो पहले क्या करना है, साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस, कॉस का एक्स हो गया ई एक्स स्क्वायर। अब ये ई एक्स स्क्वायर एक्स तो नहीं है, एक्स नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर से बॉक्स ओपन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। अब क्या करना है, ई की पावर का डेरिवेटिव करना है। ई की पावर का डेरिवेटिव क्या था, कोई चेंज नहीं, आलसी है, सुस्त है, कुछ नहीं करना, ना इधर जाना ना उधर जाना, जैसा हो वैसा ही रहने दो। e की पावर x स्क्वायर, अब e की पावर x स्क्वायर आ गई, x स्क्वायर क्या है, x तो नहीं है वो, x नहीं है तो क्या करना है, फिर उसका भी डेरिवेटिव करना है। तो ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहां पर हमने ये वाला रूल लगा दिया, ये रूल लगा दिया, तो यहां पर x था तो कोई चेंज आगे और नहीं करना है। आपका गिफ्ट आपको मिल गया, मुबारक हो, खुश रहो। आंसर हो गया आपका, क्या आंसर हो गया, ये सारा इकट्ठा करके लिख देंगे, 2a की है, 2a की है, तो हो जाएगा 4x, ये एज इट इज, साइन ई एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक कॉस ई एक्स स्क्वायर, कॉस ई एक्स स्क्वायर के बाद ये आ गया ई एक्स स्क्वायर, और तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, डेरिवेटिव में कोई भी प्रॉब्लम हो अब आपकी सब सॉल्व हो सकती हैं। कॉन्स्टेंट रूल आपको बता दिया, एडिशन रूल बता दिया, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल, हर एक रूल की प्रैक्टिस अच्छी तरह करो, क्वेश्चन करो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। एक बार आपको रूल क्लियर हो गए, रूल समझ में आ गए, आपको अपने गिफ्ट निकालने आ गए, तो डेरिवेटिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।